हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्विज नंबर 21। जैसे कि आपको पता है, डेली हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एक फ्री क्विज हमारे ऐप पर, जिसमें कॉमर्स रिलेटेड 10 एमसीक्यूज होते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, टू फाइनेंशियल एनालिसिस वर्किंग कैपिटल मीन्स द सेम थिंग एज। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्वेश्चन हमसे जानना चाहते हैं। टोटल असेट, फिक्स्ड असेट, करंट लाइबिलिटी माइनस करंट असेट। स्टूडेंट, दो चीजें होती है, एक होती है वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को ही ग्रोस वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है करंट असेट और नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहां पर ऑप्शन हमें करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी नहीं दिया गया है, इसलिए हम करंट असेट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज। वर्किंग कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? करंट कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल, WIP कैपिटल, डे टू डे कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की हम बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स रिक्वायर्ड टू मीट ए फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स इज रेफर्ड टू एज कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट वो जो हमेशा रखनी हमें जरूरी होगी, जो लॉन्ग टर्म होती है, जिसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किया जाना चाहिए, तो उसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, ए फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times and COGS is 8 lakh. If the inventory turnover changes to 5 times while COGS remain the same, a substantial amount of fund is either released from or additionally invested in inventory. In fact, तो देखो हमें दिया गया था inventory turnover ratio दिया गया था 8 और COGS थी हमारी 8 times. अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो कितना हो गया है 5, और जो हमारी सीओजीएस है वो अभी भी कितनी है 8 लाख ही है। कहने का मतलब, जब हमारा रेशियो 8 था तब हमारा इन्वेंट्री कितना रहा होगा? अगर रेशियो 8 times है तो इन्वेंट्री हमारा 1 लाख रहा होगा, और ये बोल रहे हैं कि रेशियो हमारा कितना हो गया 5। और अब हम एक बार इन्वेंट्री अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि सीओजीएस अभी तक हमें 8 लाख रुपए ही दी गई है, तो हम करेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1,60,000 रुपए। ये हमारा इन्वेंट्री आ जाएगा। कहने का मतलब 60,000 रुपए एडिशनली इन्वेस्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन 5 की हम बात करते हैं, इफ ईओक्यू 1000 यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट 200 पर ऑर्डर, टोटल यूनिट 5000, then what is the carrying cost per unit? तो carrying cost per unit हमें निकालना है। formula हमारा होता है EOQ का 2AO upon C। कहने का मतलब 2 into 5000 units into 200 carrying cost हमें calculate करनी है। इसका answer आना चाहिए 1000 units। तो इसको यदि आप directly option से करेंगे तो easily आपसे हो जाएगा, answer हमारा 2 हो जाएगा। यदि कैरिंग कॉस्ट 2 होगी तभी हमारा आंसर 1000 यूनिट आएगा। क्वेश्चन 6 की हम बात कर लेते हैं, ए डिक्रीज इन फर्म्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मींस, जो फर्म का डेटर टर्नओवर रेशियो था वो कम हो चुका है। मान लीजिए पहले डेटर टर्नओवर रेशियो 8 था, वो घटकर 4 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? डेटर से पैसा जल्दी कलेक्ट हो रहा है या धीरे कलेक्ट हो रहा है? इसका मतलब पैसा हमें धीरे कलेक्ट हो रहा होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 की हम बात कर लेते हैं, व्हाट रिप्रेजेंट वन क्वांटिटेटिव अप्रोच दैट हैज बीन डेवलप्ड टू एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्व क्रेडिट ग्रांटेड टू देम। ऐसी कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिससे एक बिजनेसमैन की एबिलिटी पता करती है, पता चलती है कि कितना क्रेडिट उसे दिया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रेडिट स्कोर सिस्टम या क्रेडिट रेटिंग सिस्टम।
जीआईटी आपको पता है ये कहता है जस्ट इन टाइम, हमें उतना ही गुड्स परचेज करना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए जितने की रिक्वायरमेंट है, एक साथ बहुत सारा गुड्स परचेज करके या मैन्युफैक्चर करके नहीं रखना चाहिए। एमआरपी आपको पता ही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एबीसी में गुड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली कैटेगरी में वो गुड्स आते हैं जिनकी क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू ज्यादा है, सेकंड कैटेगरी में मिड वैल्यू है और क्वांटिटी भी मिड है, और तीसरी में क्वांटिटी उनकी बहुत ज्यादा है और वैल्यू उनकी कम होती है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम ईओक्यू। ईओक्यू हमें निकालना है, फॉर्मूला हमारा 2AO अपॉन सी का अंडर रूट होता है, तो 2 इंटू 1 लाख यूनिट इंटू 180 हमारी ऑर्डर कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट दी गई है 1, इसका अंडर रूट हम करेंगे 6000 यूनिट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 की हम बात कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसके मैनेजमेंट और किसके फाइनेंसिंग से रिलेटेड है? कैश एंड इन्वेंट्री, बीआर करंट असेट, रिसीवेबल एंड पेबल, एक को हमें सेलेक्ट करना है, तो करंट असेट्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स दैट वेरीज विद सीजनल रिक्वायरमेंट इज रेफर्ड टू। अभी मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल को दो तरीके से डिवाइड हम करते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। तो जो सीजन के साथ चेंज होती रहती है जिसकी रिक्वायरमेंट, उसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेरी कहेंगे। स्टूडेंट ये था हमारा क्विज नंबर 21 का एक्सप्लेनेशन। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक क्विज देना स्टार्ट नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कीजिए कॉमर्स मेरी जान, और क्विज देना स्टार्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।